धार में इन दिनों कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा गौतम का दम देखने मिल रहा है, जहां नवरात्रि के पावन पर्व पर दिष्ठान बाली माता की चुनरी यात्रा में शामिल होने पहुंची। प्रभा गौतम ने माता का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिष्ठान बाली माता की चुनरी यात्रा, प्रभा गौतम ने लिया माता रानी का आशीर्वाद, पूजन अर्चन कर गौतम ने लिया माता का आशीर्वाद। नवरात्रि के पावन पर्व पर दिष्ठान बाली माता की चुनरी यात्रा आयोजित की गई, जहां इस चुनरी यात्रा में धार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा गौतम शामिल हुई। वहीं इस चुनरी यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। इधर गौतम ने माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। ये जो चुनरी यात्रा है, जो हम ये हमारा सातवां साल है जो लेबर समस्त ग्रामवासी की तरफ से निकलता है, और हर नवरात्रि के सप्तमी के दिन निकलता है, और इसमें लेबर की बहुत सारी महिलाएं रहती है, घाटा बलोत की बहुत सारी, आसपास की गांवों की बहुत सारी महिलाएं रहती हैं। हर साल अच्छा हम निकालते हैं, पर इस साल और भव्य रूप में ये चुनरी यात्रा निकली है। सब माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हैं, और कब लगभग 11,000 महिलाएं ने इस जुड़कर इस चुनरी यात्रा को सफल बनाया है, और सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। हमारे दिष्ठान के जितने संगठन के लोग हैं और हमारे जितने भी समर्थक लोग हैं, बहुत अच्छी भव्य तरीके से निकाला है। मैं सबको आपके माध्यम से, जितने लोग इस यात्रा में शामिल हुए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो धार में इन दिनों कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा गौतम का दम देखने मिल रहा है, जहां नवरात्रि के पावन पर्व पर दिष्ठान वाली माता की चुनरी यात्रा में शामिल होने पहुंची प्रभा गौतम ने माता का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्पी न्यूज, धार।